आपके बेटा आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 इंग्लिश में, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। मैनी प्लैनेट्स, इसका नाम है, चैप्टर का नाम है अ जर्नी इन स्पेस। अ जर्नी इन स्पेस मतलब कि जो भी हमारी स्पेस होता है, आसमान आकाश की यात्रा। जर्नी क्या होता है? यात्रा करना। तो हम क्या है कि स्पेस की यात्रा करेंगे। अ जर्नी इन स्पेस, आकाश में यात्रा करना, ओके, घूम के आना। तो कैसे, मतलब वहां का हमें कुछ पता होगा तभी हम जाएंगे, वैसे साइंटिस्ट जाते हैं। तो आज हम आप इस चैप्टर के द्वारा हम भी वहां पे घूम के आएंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। मैनी प्लैनेट्स, स्टार्स, सैटेलाइट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज एग्जिस्ट इन स्पेस, ठीक है। क्या है कि बहुत से प्लैनेट्स, प्लैनेट्स मैंने जैसे कि हमारा अर्थ है ना, वो भी एक प्लैनेट है। प्लैनेट होता है ग्रह जैसे एक, ठीक है। हम जिस पे रहते हैं वो है, उसका नाम है अर्थ, धरती। हम धरती पे रहते हैं, ये गोल गोल जैसे होती है, तो ऐसे ही आसमान में बहुत से ऐसे प्लैनेट हैं। हम धरती पे रहते हैं, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, अलग अलग, ठीक है। और स्टार्स तो आप देखते ही हो, यहाँ से भी धरती पे से आपको स्टार्स दिखते हैं ना, आसमान में आप देखते हो। सैटेलाइट्स जो भी ऊपर जाते हैं, जो भी मशीनें जिनके अंदर बैठ के लोग, या फिर जो ऊपर लगाए हुए हैं उपकरण वगैरह आसमान में ऊपर, जिससे हम देखो घर बैठे फोन पे बात कर रहे हैं, तो ये सब सैटेलाइट के जरिए होता है। आप मुझे देख सकते हो, मैं आपको देख सकती हूँ, तो ये सारी सेटिंग क्या है, हमारी ऊपर स्पेस के अंदर है, और वहीं से हमारी सारी कनेक्टिविटी होके हमारे तक आता है, ठीक है। एंड अदर हेवनली बॉडीज एग्जिस्ट इन स्पेस, और बहुत सारी भारी भरकम चीजें और बहुत सारा, मतलब बहुत कुछ ऊपर आसमान में है, ओके। तो आपको YouTube पे वैसे देखना चाहिए, YouTube पे अगर आप स्पेस लिखोगे ऐसा कुछ, तो आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। तो थोड़ी बहुत नॉलेज इस बारे में होनी चाहिए कि स्पेस क्या होता है, प्लैनेट क्या होते हैं, तो वो चीजें आपको वीडियो में एक प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, कैसे कैसे प्लैनेट होते हैं। ओके, स्पेस सीम्स टू होल्ड मैनी सीक्रेट्स एंड मैन विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू डिस्कवर एंड अंडरस्टैंड ऑल इट्स डिटेल। स्पेस में क्या है, सीम्स होता है दिखाई देना, टू होल्ड मैनी सीक्रेट्स, बहुत से रहस्य हमारे स्पेस के अंदर छिपे हुए हैं, बहुत सी चीजें जो हमें आज तक पता भी नहीं है। बहुत सी चीजों का तो हमने खोज कर लिया है, ठीक है, पहले इंसान, अब क्या है कि रॉकेट में बैठ के ऊपर जाते हैं, कभी चांद पे चले गए, कभी मंगल ग्रह पे चले गए, है ना, सुना होगा आपने। तो इस तरह से तो बहुत सी चीजें इंसान ने खोज ली है, काफी सालों से लगे हुए हैं, ठीक है, और बहुत सी चीजें अभी खोजनी बाकी हैं, ठीक है। उसके बारे में काफी कुछ समझा है, काफी कुछ, जैसे अब हम पूरी धरती पे कितने सारे लोग रहते हैं, ऐसे ही हमारी धरती के जैसे ही और भी कहीं दुनिया है आसमान के अंदर, तो वहां पे भी कोई ना कोई रहता है। रीड द जोक्स अबाउट स्पेस गिवन बिलो एंड एंजॉय, ठीक है। अब इसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, वाई डिड, कुछ ऐसे जोक्स जो नीचे दिए गए हैं और हम उनके बारे में मतलब मजा करेंगे। इसमें ऐसे लिखा हुआ है, वाई डिड द सन गो टू स्कूल, मतलब जो सूरज है वो स्कूल क्यों जाता है। वाई डिड सन गो टू द स्कूल, सूरज स्कूल क्यों जाता है, टू गेट ब्राइटर, चमकने के लिए। जैसे हम स्कूल जाते हैं, हम क्यों जाते हैं, ताकि हम पढ़ लिख के नाम चमकाए, कुछ अच्छा बने, ऐसे ही सन स्कूल क्यों जाता है, वो भी अगर जाता है तो फिर क्या है, वहां से ब्राइटनेस लेके आता है ताकि वो चमकता रहे, ओके, नॉलेज भी है और क्या है, इंजॉय भी है इसमें, इन क्वेश्चन में। व्हाई डिड द काउ गो टू आउटर स्पेस, मतलब जो गायें हैं, व्हाई डिड द काउ गो टू आउटर स्पेस, बाहर क्यों जाती है वो, घूमने के लिए क्यों जाती है आउटर स्पेस, ठीक है। टू विजिट द मिल्की वे, जैसे कई बार हम देखते नहीं है कि एक हमने किसी चैप्टर में पढ़ा था, काउ जंप द मून, मतलब ऐसे लिखा हुआ था, काउ जंप ओवर द मून, मून के ऊपर से छलांग, जैसे अब आपके इस चैप्टर में यहाँ पे भी देखो शो हो रहा है, मून के ऊपर से क्यों जा रही है, आउटर स्पेस ऊपर से क्यों जा रही है, क्योंकि एक मिल्की वे हमारी जो मतलब ये इसका नाम है गैलेक्सी का, मिल्की वे, ठीक है, आकाश गंगा जैसे हो गया वो, तो इस तरह से क्या है, वहां पर घूमने के लिए जाती है। Why do aliens not eat clowns? मतलब जो aliens हैं, why do aliens not eat clowns? मतलब वो clowns को क्यों नहीं खाते, जो aliens, हमें क्या बोला जाता है, हम अर्थ पे रहते हैं, हमें क्या बोलते हैं लोग, कि हम इंसान हैं,
सबको इंसान बोला जाता है ना, तो जो दूसरे ग्रह के लोग होते हैं ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, हम उनको एलियंस कहते हैं, जो अभी मतलब किसी और प्लेनेट पे रहते हैं। तो वो क्या है, वो वन सेकेंड कॉल आ रही है। तो उसमें क्या है ये, तो इसमें क्या है कि क्लाउंस को क्यों नहीं खाते हैं। एक तो होता है क्लाउंस होता है, जैसे बेटा जो उनको नहीं बोलते हैं, जोकर होते हैं, जो जोकर टाइप होते हैं उनको क्लाउन बोलते हैं। तो वो क्यों नहीं खाते हैं, क्योंकि वो मतलब बिकॉज दे टेस्ट फनी, मतलब वो बहुत ही फनी से होते हैं नॉर्मली। मतलब अजीब से क्वेश्चन है कुछ, वाई डू एलियंस नॉट ईट क्लाउंस। एक तो होता है क्लाउंस का मतलब होता है मजाक करने वाला, जो जोक वगैरह करता है। एक क्लाउंस का मतलब होता है कुछ मतलब विदूषक टाइप, जैसे हम बोल देते हैं उसको। मेनली तो इसमें क्लाउन को जो बोला गया है, मस्खरे को, जो मजाक करता रहता है, जोकर टाइप, क्योंकि बट बिकॉज दे टेस्ट फनी, मतलब उनका क्या है टेस्ट बिल्कुल मजाकिया सा होता है। विच वॉज द फर्स्ट एनिमल इन स्पेस, स्पेस में सबसे पहला जो एनिमल था वो कौन था, किसे देखा गया था। द काउ दैट जम्प ओवर द मून, देखा गया होगा एक काउ को क्या था, चांद के ऊपर से कूदते हुए देखा गया था, ऐसा कुछ दिखाई दिया था ठीक है। तो इसीलिए हमने एक बार ये आप देख रहे हो यहाँ पे चांद के ऊपर गाय, यहाँ पे चांद के ऊपर ये री, यहाँ पे देखो जहां मैं टिक कर रही हूँ, यहाँ पे ओवर द मून, ये हमारा चांद है, मून है ये, इसके ऊपर से गाय क्रॉस कर रही है। तो ऐसा कई साइंटिस्टों ने देखा होगा, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है द काउ दैट जंप ओवर द मून। व्हाई कुड द एस्ट्रोनॉट नॉट बुक अ रूम ऑन द मून, मतलब उनके पास क्या है कि जो एस्ट्रोनॉट जो आसमान में ऊपर जाते हैं खोज करने के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीजें, जो भी उनको नॉलेजेबल लगती है उन चीजों के लिए जाते हैं, व्हाई कुड द एस्ट्रोनॉट नॉट बुक अ रूम ऑन द मून, क्यों भी वहां पे वो रूम बुक क्यों नहीं कर लेते ठीक है, चांद पे ही अपना कोई कमरा वगैरह जैसे जो भी, बिकॉज इट वॉज फुल, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सब फुल है। यू मे शेयर योर ऑन जॉक्स अबाउट स्पेस एंड एलियंस इन द क्लास, मतलब ये सिर्फ जॉक है, सिर्फ एक जॉक है, मतलब मस्ती करने का है, कि इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है कि ये सिर्फ जॉक है। नेक्स्ट हम चैप्टर रीडिंग करेंगे, तो अ जर्नी इन स्पेस हैज ऑलवेज बीन associated with all kinds of unexpected changes and yet highly interested happenings, ठीक है। तो क्या है कि जो जर्नी है स्पेस के अंदर वो हमेशा ही बहुत मतलब अलग अलग तरह के हमें मौके मिलते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो हमने कभी नहीं देखी, कभी नहीं सुनी, हमें ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, कुछ इतना इंटरेस्ट बनता है। अगर आपको कहीं कि आसमान में ऊपर घूमने चलते हैं रॉकेट वगैरह में बैठ के, तो कितना मतलब सोच सोच के भी कितना मजा आता है, भी ऊपर क्या होगा, पता नहीं कैसी दुनिया है। इन दिस लेसन यू आर गोइंग टू रीड अबाउट एन इमेजिनरी जर्नी इन स्पेस बाय इमेजिनरी करेक्टर्स, तो आपको इस चैप्टर के अंदर क्या मिलेगा, कुछ ऐसी ही मतलब हम सोचते रहते हैं, जैसे हम अब सोच रहे ना, इसको कह रहे हैं कि हम इमेजिन कर रहे हैं, अब हम एक तरीके से जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ ना, आप भी अपने आप को इमेजिन कर रहे हो कि हम आसमान में घूम रहे हैं, है ना, आपके माइंड में वैसी पिक्चर चलती है ना कि हम आसमान में बैठे हैं। जैसा जैसा इंसान बोलता है सुनता है, वैसी ही इमेज उसके दिमाग में चलती 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 रहती है ठीक है। तो आज हम स्पेस की जर्नी करेंगे, तो कैसे करेंगे, अपने माइंड से ही, इमेजिन करने से ठीक है, अपनी कल्पना से। तो लेट्स स्टार्ट। बीना स्माइल्ड एंड लुक्ड अहेड विद वाइड ओपन आईज, तो बीना क्या है इसमें एक कैरेक्टर है जो, तो वो क्या है स्माइल कर रही है और क्या है अपनी मतलब looked ahead and wide open eyes, ऐसे मतलब इतनी खुली आंखों से, मतलब उसकी आंखें खुली की खुली रह गई हैं ठीक है, वो देखती रह गई। right in front of her was the, उसके सामने क्या है, वो अपने सामने कुछ देख रही है, क्या देख रही है, her the vast dark space, वो अपने सामने एक बहुत बड़ा स्पेस देख रही है। one second, उसे अपने सामने क्या दिखाई दे रहा है, एक बहुत बड़ा डार्क स्पेस, एक अंधेरा सा काला सा आसमान दिखाई दे रहा है। ओके, द स्टार्स शोन अराउंड लाइक फायर फाइल्स इन अ फॉरेस्ट,
अब क्या है, स्टार क्या है, शोन चमकना अराउंड लाइक द फायर फ्लाइज इन द इन फॉरेस्ट, ऐसा मतलब जैसे कि जंगल में जैसे मतलब फायर फ्लाइज वो उड़ती है ना, कुछ भी जैसे कुछ ऐसा चमकना चमकना सा कुछ है, उसके जैसा चमक रहे हैं बहुत ज्यादा ब्राइटली, जैसे स्टार ऐसे आसमान में ऐसे चमक रहे हैं जैसे किसी अंधेरे जंगल में, ठीक है, ऐसे चमक रहे होते हैं। तो लाइक तो जैसे आसमान में क्या है, द स्टार शोन्स अराउंड लाइक फायर फ्लाइज इन अ फॉरेस्ट, आसमान में जैसे जंगल में फायर फ्लाइज मीन जैसे चमकने सी वो क्या बोलते हैं वो जुगनू, जुगनू के जैसे क्या है, स्टार ऐसे चमक रहे हैं जैसे जुगनू चमकते हैं ना, ऐसे स्टार्स चमक रहे हैं। शी बेंट फॉरवर्ड टू गेट अ बेटर लुक, तो फिर क्या है मतलब वो आगे बढ़ती है टू गेट अ बेटर लुक, और कुछ देखने के लिए, फिर बिना क्या है आगे जाती है, बिना स्पेस मूव्ड ऑन नॉइजलेसली, मतलब क्या है बीना का जो स्पेसशिप है, ये लड़की जो है बीना है, ये येलो टी शर्ट में जो बीना है, ये इसका स्पेसशिप क्या है आगे चलता है, मतलब नॉइसलेसली, आवाज नहीं करता, चुपचाप आगे चलता है, नॉइस होता है शोर करना, लेसली होता है नहीं करना, ठीक है, तो नॉइसलेसली शोर नहीं करता उसका स्पेसशिप, स्पेसशिप होता है आसमान में जाने वाला जो जैसे रॉकेट टाइप हो गया कुछ हो गया ऐसा यंत्र जो हम जिससे हम आसमान में जाते हैं, ठीक है। शी पुश अ रेड बटन एंड मूव्ड इट मूव्ड फास्टर, और वो क्या है पुश होता है दबाना, वो रेड कलर के बटन को दबा देती है और क्या होता है कि वो और भी तेजी से चलने लगता है। शी वॉज द फर्स्ट चाइल्ड टू बी सिलेक्टेड टू ट्रेवल इन स्पेस, तो वो कहती है तो इमेजिन कर रही है ना वो, मतलब आज तक कोई बच्चा ऐसे गया नहीं है स्पेस में, तो वो अपने आप से कह रही है कि वो तो दुनिया की पहली लड़की है जो आसमान में ट्रेवल कर रही है। बीना हैड फिल्ड एन ऑनलाइन फॉर्म ऑन हर कंप्यूटर, तो बीना कहती है कि मैंने क्या है ऑनलाइन फॉर्म भरा था अपने कंप्यूटर पे कि मैंने स्पेस में जाना है। शी हैड रिटन इन इट दैट शी लव द स्काई, उसने क्या कहा कि उसने जो फॉर्म भरा था ना उसमें लिखा था कि उसे आसमान में जाना बहुत अच्छा लगता है, उसे आसमान बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा है, स्टार्स, एंड शी वाज नॉट अफ्रेड ऑफ ट्रेवलिंग इन स्पेस, और उसे मतलब क्या है कि बिल्कुल भी डर नहीं लगता है आसमान में घूमने से। एंड दिस शी हैड टू गिव अन नंबर ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यू, और वो कहती है कि उसने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं स्पेस में जाने के लिए, ठीक है। शी ऑल्सो गेव फिजिकली फिटनेस टेस्ट बिफोर शी वॉज फाइनली सिलेक्टेड बाय द न्यू वर्ल्ड स्पेस रिसर्च सेंटर इन द हिमालय, तो वो ये कह रही है कि उसने फिजिकली टेस्ट भी दिया था। अब ये है ना कि उसने रिटर्न में टेस्ट तो दे दिया, अभी आपको नॉलेज है कि नहीं आप आसमान में जाके करोगे क्या, उसको पता होगा तभी तो उसको भेजेंगे, ठीक है, उसने सारे टेस्ट दिए, इंटरव्यू दिए, उसको सारे क्लियर हो गए, तो उसने फिजिकल टेस्ट भी दिया था कि मैं फिजिकली भी फिट हूँ, मैं फिजिकली भी क्या हूँ, मैं फिजिकली भी फिट हूँ तो मैं आसमान में जा सकती हूँ। तो फिर क्या होता है कि वो अपना एक फिजिकली जो है टेस्ट देती है कि हाँ मैं बॉडी से भी बिल्कुल फिट हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एक टेस्ट देती है, और वो टेस्ट कहाँ होता है, सिलेक्टेड बाय द न्यू वर्ल्ड स्पेस रिसर्च सेंटर इन हिमालय, ठीक है, तो वो हिमालय के जैसे वहां पे जो वर्ल्ड स्पेस सेंटर है वहां पे जाके टेस्ट देती है उसके लिए। मैनी ग्रोन अप हैड बीन सेंट इनटू द स्पेस इन द पास्ट, ठीक है, तो मतलब क्या है कि इससे पहले भी जो मैनी बोन्स ऑफ हैड बीन सेंट, मतलब जो आसमान में लोगों को भेजा जा चुका है पहले भी, बट बीना वाज द फर्स्ट चाइल्ड टू गेट सच अ गोल्डन चांस, तो बीना भी क्या है कि एक पहला बच्चा है जिसे मतलब जाने का गोल्डन चांस, मतलब बहुत ही सुनहरी मौका मिला है आसमान में जाने का। शी वॉज ट्रेन्ड फॉर अ ईयर्स बिफोर शी वॉज रेडी टू ट्रेवल इन स्पेस, उसको एक साल पहले ही तैयार कर दिया गया था, जब उसने आसमान में मतलब सपोज आज जाना है तो एक साल तक उसको ट्रेनिंग दी गई थी कि आपको कैसे जाना है, ऊपर कैसे करना है। आपको पता है जब हम आसमान में ऊपर जाते हैं तो हमारे पैर जमीन पे नहीं टिक सकते, हम हवा में उड़ते हैं, जिस भी हम रॉकेट में बैठ के जाएंगे ना तो वहां पे हम ऐसे सीधे खड़े नहीं रह सकते, हम यहाँ पे खड़े हैं,
क्योंकि धरती जो है उसकी ग्रेविटी हमें नीचे की तरफ खींचती है। सपोज कोई चीज है, अब ये चीज है, मैं ऐसे फेंक रही हूं, ऐसे छोड़ रही हूं इसको, ये नीचे जाएगी, ये नीचे जाएगी ना, ठीक है, ये ऐसे नीचे जा रही है, ये नीचे गई, ओके। बट आसमान में ऐसे कोई चीज फेंक, क्यों? क्योंकि हमारी धरती की ग्रेविटी है कि वो कोई भी चीज है वो नीचे खींच लेती है, बट जब हम आसमान में जाते हैं तो उसकी ग्रेविटी क्या है कि वो ऊपर की ओर खींचती है, तो इसीलिए वो हमें ऊपर की तरफ खींचती है। हमारे बाल भी ऐसे खड़े रहेंगे, अगर हम सपोज जाएंगे ना आसमान में, हमारे बाल ऐसे खड़े रहेंगे ऊपर की तरफ, हम कोई चीज फेंक देंगे ना तो वो ऐसे नीचे नहीं गिरेगी, ऐसे हवा में उड़ती रहेगी। आप अगर यूट्यूब पे वीडियो सर्च करोगे ना स्पेस में, हाउ टू लिव इन स्पेस, मतलब स्पेस में लोग कैसे रहते हैं, ठीक है, कैसे कुछ भी लिख दो स्पेस की वीडियोस, तो आपको वहां पे बहुत सी वीडियोस दिखाई देंगी जहाँ पे जो स्पेस में लोग गए हुए हैं वो कैसे रहते हैं अपने प्लेन के अंदर, जो भी उनका स्पेसशिप होता है, रॉकेट होता है, उसमें रहते हैं, तो वो ऐसे उड़ते रहते हैं, बहुत मजा आता है देखना कभी, ठीक है। तो उसको भी इस चीज के लिए ट्रेंड किया गया था, और एकदम से हम उड़ने लग जाए तो हमें तो समझ ही नहीं आएगा कैसे क्या करना है, तो इस चीज के लिए भी ट्रेंड करते हैं, ठीक है। 1 साल ट्रेनिंग ली उसने। तो नेक्स्ट है, केरन द लेडी एस्ट्रोनॉट टच हर हैंड अर्थ एंड सेड। अब ये क्या है, जो एक लेडी है स्पेस, ये वाली केरन, ठीक है, ये एस्ट्रोनॉट है, मतलब ये आसमान में जाती रहती है, टाइम भी पहुंच ओके। तो वो उसके हाथ को पकड़ती है, टच करती है और कहती है, बीना डोंट यू थिंक इट इज वंडरफुल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा मतलब हैरान करने वाली बात है, जस्ट लुक ऑल अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखो, बिना सेल रियली, मतलब वो भी ऐसे होते भी वो चारों तरफ देखती है, आसमान है, इतना वंडरफुल सा मतलब दृश्य है देखने को, मजा आ रहा है। आई हैड नेवर थॉट दैट आई वुड ट्रेवल इन स्पेस, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आसमान में भी ट्रेवल करूंगी, ठीक है, इन अ स्पेसशिप, एक स्पेसशिप में जाके मैं आसमान में एक दिन ट्रेवल करूंगी। आई कैन सी द स्टार्स, मैं तारे देख सकती हूँ, प्लैनेट्स देख सकती हूँ, चांद को देख सकती हूँ, मून एंड इवन सैटेलाइट्स, जो ऊपर उपग्रह लगे हुए हैं, जो भी सिस्टम लगा हुआ है, जो भी इन सब चीजों को कंट्रोल करता है धरती की, जो भी मशीनें ऊपर लगी हुई उनको सैटेलाइट्स बोलते हैं, ठीक है, तो उन सब चीजों को मैं देख सकती हूँ। आई वॉन्डर इफ देयर इज एनी वन आउट देयर हु इज लाइक अस, मतलब मैं और भी हैरान, उसको कह रहे कि मैं हैरान हो जाऊंगी कि अगर हम मतलब देयर इज एनी वन, अगर यहाँ पे कोई और भी है जो मतलब हु इज लाइक अस, जो हमारी तरह रहता है, हमने सुना है ना कि एलियंस है, एलियंस है, एलियंस धरती पे आ गए, एलियंस ऐसे, तो अगर हम किसी एलियंस को, किसी दूसरे प्लेनेट के व्यक्ति को हम देखेंगे तो हम कितने हैरान हो जाएंगे, वाओ ये कैसे दिखते हैं, तो ऐसे ही वो मतलब हैरान हो रही है कि काश मुझे भी अगर ऐसा कोई दिखे तो मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाऊंगी, ठीक है। तो आज हम इतना ही रीड करेंगे, तो नेक्स्ट हम कल रीड करेंगे, ओके। तो 1 सेकेंड।